व्हाट इज शेयर मार्केट? शेयर मार्केट एग्जैक्टली है क्या? देखिए दोस्तों, इंडिया में बहुत सारे लोगों को लगता है कि शेयर मार्केट एक तरीके का जुआ है और जो लोग शेयर मार्केट में पैसे लगाते हैं वो लोग सट्टे में पैसा लगा रहे हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो के खत्म होते होते तक आपको ये समझ में आ जाएगा कि शेयर मार्केट एग्जैक्टली है क्या और शेयर मार्केट क्या जुआ है, अगर है तो क्यों है और अगर जुआ नहीं है तो क्यों नहीं है। इसके अलावा दोस्तों, इस वीडियो में आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो अपने शेयर मार्केट की जर्नी को कैसे शुरू कर सकते हैं। तो जानने के लिए वीडियो को देखते रहिए, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, उसके बाजू में जो बेल आइकन उसे भी दबा दें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। हे दोस्तों, मेरा नाम है रजनीकांत शर्मा और आप देख रहे हैं कमाओ और कमाने दो यूट्यूब चैनल। दोस्तों, शेयर मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज, BSE, NSE, IPO, ये सब क्या होता है मैं आपको बताऊंगा नहीं, एक कहानी के जरिए समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि कहानियां याद रहती है और बातें हम अक्सर भूल जाते हैं। दोस्तों, इस कहानी का हीरो है सुनील। सुनील को एक बिजनेस शुरू करना था, प्लास्टिक की बॉटल्स को मैन्युफैक्चर करके बेचने का बिजनेस, जिसके लिए उसको मशीन, रॉ मटेरियल और स्पेस की जरूरत थी ताकि वो बिजनेस को शुरू कर सके। और बिजनेस को शुरू करने के लिए उसने स्टार्टिंग में 5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया, मतलब कैपिटल इंट्रोड्यूस किया, और उसने अपनी कंपनी को रजिस्टर किया एज अ सोल प्रोप्राइटरशिप, क्योंकि सारे के सारे पैसे उसी ने इन्वेस्ट किए थे। इसके बाद में दोस्तों, सुनील अपना काम करना शुरू करता है। कुछ टाइम बाद में सुनील की कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म करने लग जाती है, मार्केट में उसके प्रोडक्ट की बहुत ज्यादा डिमांड होने लग जाती है, डिमांड इतनी बढ़ जाती है कि वो उसको फुलफिल नहीं कर पाता। फिर सुनील को लगता है कि अगर मैं इस डिमांड को फुलफिल नहीं कर पाऊंगा तो मेरे कॉम्पिटिटर्स इसका फायदा उठा लेंगे। उसके बाद में उसको लगता है कि उसको पैसे किसी से लेने पड़ेंगे, तो वो मार्केट में जाता है, कुछ लोगों से बात करता है। उसके बाद में दो लोग राजी हो जाते हैं, वो लोग बोलते हैं कि हम आपको पैसे देने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमको आपकी कंपनी के 10% शेयर चाहिए। अब दोस्तों, शेयर का मतलब हिंदी में होता है हिस्सा, मतलब उन दोनों को उसकी कंपनी में 10% का हिस्सा चाहिए था। सुनील बोलता है कोई बात नहीं, आपको मैं 10% का हिस्सा देने के लिए तैयार हूँ, आप मुझे पैसे दीजिए। लेकिन अब सुनील की कंपनी जो थी वो सोल प्रोप्राइटरशिप कंपनी थी, वो कंपनी का अकेला मालिक था, इसमें वो और किसी को हिस्सा नहीं दे सकता था। तो अब उसको अपनी कंपनी को सोल प्रोप्राइटरशिप से प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाना पड़ेगा ताकि वो किसी और से भी पैसे ले सके और अपनी कंपनी के शेयर उनको दे सके, मतलब अपनी कंपनी का हिस्सा उनको दे सके। उसके बाद में सुनील ने अपनी कंपनी को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना लिया और उन दोनों को 10-10% का हिस्सा दे दिया। अब सुनील के पास 80% का हिस्सा है और उन दोनों के पास 10-10% का हिस्सा है। उसके बाद में दोस्तों, कुछ टाइम बीतता है, कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म करती है, सबको प्रॉफिट होता है, कंपनी के वैल्यूएशन और बढ़ जाते हैं। अब सुनील को लगता है कि मुझे मेरी कंपनी को पूरे ऑल ओवर इंडिया में एक्सपांड करना चाहिए, जिसके लिए मुझे और भी पैसे की जरूरत है। और सुनील को पैसे की जरूरत है 5,000 से 10,000 करोड़ रुपए की, और इतने पैसे कोई भी एक आदमी उसको दे नहीं पाएगा। तो अब उसको पब्लिक के पास जाना पड़ेगा, मतलब मेरे और आपके जैसे लोगों के पास जाना पड़ेगा, उनसे पैसे उसको लेने पड़ेंगे। लेकिन दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया, उसकी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, वो डायरेक्टली पब्लिक से पैसा नहीं ले सकता। सबसे पहले उसको अपनी कंपनी को प्राइवेट लिमिटेड से पब्लिक लिमिटेड बनाना पड़ेगा और उसके बाद में ही वो पैसे पब्लिक से ले सकता है। पब्लिक से पैसे लेने का भी एक प्रोसीजर होता है, वो डायरेक्टली किसी को बोल नहीं सकता कि आप मुझे पैसे दीजिए और मैं अपनी कंपनी के शेयर आपको दे दूंगा। अब पब्लिक से पैसा लेने के लिए उसको अपनी कंपनी को स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करना पड़ेगा। दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं, हमारे देश में 2 स्टॉक एक्सचेंज है। सबसे पहला BSE, जिसको बोलते हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, और दूसरा है NSE, जिसको बोलते हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। मैं आपको बता दूं, BSE पुराना है और NSE नया है। तो सुनील चाहे तो अपनी कंपनी को दोनों स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट कर सकता है। अब अपनी कंपनी को स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करने से पहले उसको अपनी कंपनी को प्राइवेट लिमिटेड से पब्लिक लिमिटेड बनाना पड़ेगा। इसके अलावा उसको अपना IPO निकालना पड़ेगा, इनिशियल पब्लिक ऑफर। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जब भी कोई कंपनी पहली बार स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होती है तो वो अपना IPO निकालती है और पब्लिक को ऑफर देती है कि आप हमारा स्टॉक को इस प्राइस में खरीद सकते हैं। अब दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कंपनी के जितने भी शेयर्स हैं, 80% सुनील के पास है, 10% और 10% बाकी के दो लोगों के पास है। तो अब सुनील क्या करता है, अपने 80% में से आधे शेयर्स को और भी छोटे छोटे हिस्सों में बांट देता है। अब दोस्तों, मान लीजिए उसके एक शेयर का प्राइस 500 रुपए है, तो वो अपने एक शेयर को 100 टुकड़े में बांट देता है और पर शेयर का प्राइस रख देता है 5 रुपया, ताकि पब्लिक इजीली खरीद सके। अब उसने क्या किया, अपनी कंपनी के बहुत सारे छोटे छोटे शेयर्स मार्केट में निकाल दिए पब्लिक के लिए खरीदने के लिए। अब दोस्तों, IPO के दौरान पब्लिक सुनील की कंपनी के शेयर खरीद सकती है, इससे सुनील को पैसे मिल जाएंगे और पब्लिक को शेयर मिल जाएगा। तो दोस्तों, सुनील को जितने पैसे की जरूरत थी उतने पैसे उसको मिल गए। उसके बाद में उसने अपने बिजनेस को पूरे ऑल ओवर इंडिया में एक्सपांड कर दिया। अब दोस्तों, जिन्होंने भी IPO के दौरान सुनील की कंपनी के शेयर खरीदे थे उनको शेयर मिल गए थे 5 रुपए में। अब जब सुनील की कंपनी ग्रो करेगी तो उनके शेयर का प्राइस भी बढ़ेगा और उनको प्रॉफिट भी होगा, और इनके
केस अगर सुनील की कंपनी ग्रो नहीं करती, उसमें लॉसेस हो जाते हैं तो शेयर का प्राइस कम होगा और उनको नुकसान होगा। तो दोस्तों आईपीओ के दौरान जिन लोगों ने जितने शेयर खरीदे वो लोग सुनील की कंपनी के उतने हिस्सेदार बन गए, शेयर होल्डर बन गए। तो दोस्तों अब इस कहानी से आप ये समझे होंगे कि सबसे पहले शेयर क्या होता है, मतलब किसी भी कंपनी का हिस्सा। उसके बाद में स्टॉक एक्सचेंज होते हैं जिसके अंदर कंपनी को लिस्ट करना पड़ता है ताकि वो अपना आईपीओ निकाल सके, इनिशियल पब्लिक ऑफर, ताकि लोग उनके शेयर को खरीद सके। और हमारे देश में दो तरीके के स्टॉक एक्सचेंज है, बीएसई और एनएसई। बीएसई पुराना है, एनएसई नया वाला है। अब दोस्तों मान लीजिए जब सुनील की कंपनी ने आईपीओ निकाला था तो मैंने उसकी कंपनी के कुछ शेयर्स खरीदे थे। अब सुनील की कंपनी बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रही है, मेरे शेयर का प्राइस बढ़ चुका है, मुझे पैसे की जरूरत है, अब मैं अपने शेयर को बेचना चाहता हूं, तो मुझे एग्जैक्टली करना क्या होगा? क्या मुझे सुनील से कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा? नहीं, मुझे कोई बायर ढूंढना पड़ेगा जो मेरे शेयर को खरीद सके। अब मुझे बायर मिलेंगे कहां पे? दोस्तों मैं आपको बता दूं, मुझे बायर मिल सकते हैं स्टॉक मार्केट में, मतलब स्टॉक एक्सचेंज के अंदर। दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो स्टॉक मार्केट होता है उसी को शेयर मार्केट भी कहते हैं। उसके अंदर बहुत सारे बायर्स और सेलर्स होते हैं जो शेयर्स को खरीदने और बेचने का काम करते रहते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं, जब भी आप आईपीओ के दौरान शेयर खरीदते हैं तो आप डायरेक्टली कंपनी से खरीदते हैं। इसके अलावा जब भी आप खरीदते हैं तो आप किसी सेलर से खरीदते हैं जो स्टॉक मार्केट में होता है। तो इसी प्रकार जब भी आप शेयर खरीद लेंगे उसके बाद में आपको बेचना होगा तो आपको किसी सेलर को ढूंढना होगा, और जब उस सेलर को बेचना होगा तो वो किसी और सेलर को ढूंढेगा। ये सिलसिला चलते रहता है और शेयर मार्केट में हमेशा शेयर खरीदा और बेचा जाता है। आई होप दोस्तों आप समझ गए होंगे शेयर क्या होता है, स्टॉक मार्केट क्या होता है, शेयर मार्केट क्या होता है, स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, बीएसई, एनएसई, आईपीओ, ये सारी चीजें क्या होती है। ये बहुत ही बेसिक टर्मिनोलॉजी है शेयर मार्केट के अंदर। अब दोस्तों मान लीजिए आपको शेयर मार्केट में पैसे लगाने हैं तो आप कैसे लगा सकते हैं और कितने तरीकों से लगा सकते हैं, मैं आपको बता दूं, शेयर मार्केट में आप दो तरीकों से पैसे लगा सकते हैं। सबसे पहला आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, दूसरा आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है वो हम देख लेते हैं। चलिए दोस्तों सबसे पहले मैं आपको इन्वेस्टमेंट के बारे में बता देता हूं। मान लीजिए आपने किसी कंपनी का शेयर खरीदा और उसको 2-3 साल के लिए आप भूल गए और उसके बाद में आप अपना काम करते रहे, जो भी आप बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, जो भी आप करते हैं वो आप करते रहे। उसके बाद में आपने देखा कंपनी का शेयर का जो प्राइस था वो अच्छा खासा बढ़ चुका है, आपको लगा कि अब मुझे बेच देना चाहिए ताकि मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाए। उसके बाद में आपने उसको बेच दिया और उस इन्वेस्टमेंट से आपने अच्छा खासा रिटर्न कमा लिया। तो दोस्तों इसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट करना। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं ट्रेडिंग के बारे में। लेकिन दोस्तों ट्रेडिंग के बारे में बताने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, शेयर मार्केट में जब भी शेयर का प्राइस बढ़ता है तो वो डायरेक्टली एक साथ ऊपर नहीं जाता और एक साथ नीचे नहीं जाता, वो धीरे धीरे करके ऊपर जाता है और धीरे धीरे करके नीचे जाता है। अगर आपने कभी भी शेयर मार्केट का चार्ट देखा होगा तो आपने देखा होगा कि अगर शेयर ऊपर की तरफ गया है तो पहले ऊपर जाता है, फिर नीचे जाता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे जाता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे जाता है, ऐसे ऐसे करके वो अपवर्ड जाता है। और अगर डाउनवर्ड की तरफ जाता है तो फिर भी ऐसे ही जाता है, ऊपर जाता है, नीचे जाता है, ऊपर जाता है, नीचे जाता है, ऊपर जाता है, नीचे जाता है, ऐसे ऐसे करके नीचे की तरफ आता है। तो जो लोग इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं या फिर ट्रेडिंग करते हैं वो लोग क्या करते हैं, वो लोग जब शेयर का प्राइस नीचे आता है तब खरीद लेते हैं, ऊपर जाता है तब बेच देते हैं, नीचे आता खरीद लेते हैं, ऊपर जाता बेच देते हैं, नीचे आता खरीद लेते हैं, ऊपर जाता बेच लेते हैं। तो वो लोग पूरे दिन यही करते रहते हैं। दिन में बहुत बार लोग शेयर को खरीदते हैं और बेचते हैं, तो इसलिए उसको बोलते हैं ट्रेडिंग। और इन्वेस्टमेंट के बारे में तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि आप एक बार शेयर को खरीदते हैं उसके बाद में लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ देते हैं, जब आपको अच्छा खासा रिटर्न मिल जाता है उसके बाद में आप बेच देते हैं और अपना प्रॉफिट निकाल लेते हैं। लेकिन ट्रेडिंग में दिन में बहुत बार बेचा और खरीदा जाता है और थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट कमाया जाता है। तो दोस्तों इन दो तरीकों से आप शेयर मार्केट में पैसे लगा सकते हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि क्या शेयर मार्केट में पैसे लगाना सट्टे में पैसे लगाने जैसा है। इसको भी मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाने की कोशिश करूंगा। मान लीजिए दो लोग हैं, एक का नाम है ए और एक का नाम है बी। दोनों जन इन्वेस्टमेंट भी करते हैं और साथ ही साथ ट्रेडिंग भी करते हैं। लेकिन जो ए है वो इन्वेस्टमेंट करने से पहले कंपनी के पूरे फंडामेंटल को एनालाइज करता है, मतलब ये चेक करता है कि कंपनी के फाउंडर्स कौन है, डायरेक्टर्स कौन है, कंपनी का हिस्ट्री क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट क्या है, सारी चीजों को वो चेक करता है, उसके बाद में किसी कंपनी का शेयर खरीदता है। इसके अलावा जब भी वो ट्रेडिंग करता है तो वो पूरा टेक्निकल एनालिसिस करता है, वो ये चेक करता है कि इंडिकेटर पे क्या सिग्नल आ रहा है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को वो समझता है, उसके अकॉर्डिंगली वो डिसीजन लेता है, तभी वो शेयर को बाय करता है और सेल करता है। लेकिन जो बी है वो ऐसा कुछ नहीं करता, उसको मार्केट में जब भी कोई न्यूज मिलती है, कोई टिप मिलती है, उसके अकॉर्डिंगली वो क्या करता है, किसी भी कंपनी के शेयर को खरीद लेता है, लॉन्ग टर्म में भी इन्वेस्टमेंट कर देता है और इंट्राडे में भी कोई टेक्निकल एनालिसिस नहीं करता, कोई इंडिकेटर नहीं देखता, जब मन में आता है वो खरीदता है, जब मन में आता है वो बेचता है। अब दोस्तों बताइए ए और बी में से कौन जुआ खेल रहा है? दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये जुआ खेल रहा है और ये रिस्क ले रहा है।
और रिस्क भी जो ले रहा है वो बहुत ही कैलकुलेटिव रिस्क ले रहा है। मैं आपको बता दूं, जुए और रिस्क में बहुत ज्यादा फर्क होता है। देखिए दोस्तों, बी क्या कर रहा है उसको कुछ भी आइडिया नहीं है, शेयर का प्राइस कब ऊपर जाएगा कब नीचे जाएगा, मार्केट में कोई न्यूज आई शेयर खरीद लिया, कोई टिप मिली खरीद लिया। लेकिन ये जो बंदा कर रहा है ये पूरा रिसर्च के साथ कोई भी शेयर को खरीदता है, इन्वेस्टमेंट करता है तभी भी रिसर्च करता है, और साथ ही साथ इंट्राडे में जब भी ट्रेडिंग करता है तभी भी टेक्निकल एनालिसिस करता है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप शेयर मार्केट में पैसा लगाना चाहते हैं तो आपको ए जैसा बनना है, बी जैसा नहीं बनना है। मार्केट में कोई भी न्यूज आ जाए, कोई टिप दे दे तो उसकी बात नहीं सुननी है, आपको अपने हिसाब से डिसीजन लेना है। देखिए, अगर आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको फंडामेंटल एनालिसिस आना चाहिए, और अगर आप इंट्राडे में ट्रेडिंग करते हैं तो आपको टेक्निकल एनालिसिस आना चाहिए। आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में पता होना चाहिए, अलग अलग इंडिकेटर्स कैसे काम करते हैं, कब सिग्नल मिलता है, ये सारी चीजों के बारे में पता होना चाहिए। मैं आपको एक चीज बता दूं, YouTube के ऊपर आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे जिनके अंदर फंडामेंटल एनालिसिस को बताया गया है, टेक्निकल एनालिसिस के बारे में बताया गया है, और अगर आप चाहते तो आप लोगों के लिए मैं अलग से वीडियो भी बना सकता हूं। आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा। जो लोग रिस्क और जुए में फंसे हुए हैं उनको मैं बता दूं, जब हम रोड पे चलते हैं तो वहां भी हमको रिस्क होता है, हो सकता है सामने से कोई गाड़ी आए हमको ठोक दे, पीछे से कोई गाड़ी आए हमको ठोक दे, लेकिन भगवान ने हमको आंखें दी है, हम देख सकते हैं, अगर कोई गाड़ी आ रही है तो हम बच सकते हैं। लेकिन अगर कोई इंसान आंख पे पट्टी बांध के चल रहा है तो गाड़ी उसको ठोके ना ठोके वो जरूर गाड़ी को ठोक देगा। तो दोस्तों इसी तरीके से अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या फिर ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आपको फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस आना चाहिए। ये दोनों आपके लिए आंखों का काम करेंगे और आपको लॉस से बचाएंगे। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना जुआ है या नहीं, अगर जुआ है तो क्यों है और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है। लेकिन दोस्तों हमारे आसपास में ज्यादातर लोगों को ऐसा क्यों लगता है, क्योंकि दोस्तों हमारे समाज में नेगेटिविटी बहुत जल्दी फैलती है। मान लीजिए किसी इंसान ने अपना 1,00,000 रुपया अपनी गलती की वजह से शेयर मार्केट में गवा दिया तो जिसको भी मिलेगा सबको यही बोलेगा, अरे शेयर मार्केट बहुत बेकार चीज होती है, उसमें पैसा डूब जाता है, मेरा भी 1,00,000-1.5 लाख रुपया डूब गया। अब जिसको बोला वो किसी और को बोलेगा, अरे उस आदमी का 1.5 से 2 लाख रुपया डूब गया। फिर वो आदमी जाके किसी को बोलेगा, अरे उस आदमी का है ना 2 से 3 लाख रुपया डूब गया। ऐसे नेगेटिविटी बहुत ज्यादा फैलती है। मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, जो लोग भी कहते हैं कि शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, इसमें जो पैसा लगाना जुआ होता है सट्टा होता है, उनको आप कभी भी पूछोगे ना कि अगर मुझे इन्वेस्टमेंट करना है तो मैं कहाँ करूँ, तो वो लोग क्या बोलेंगे, आप एक काम करो FD बुक कर लो, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर लो, या फिर इंश्योरेंस ले लो, या फिर सबसे अच्छा तरीका है आप अपने बैंक अकाउंट में रखो, आपको वहां पे इंटरेस्ट मिलता है। अब दोस्तों मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, ये जितने भी ऑप्शंस मैंने आपको बताए ये अपने सारे पैसे शेयर मार्केट में ही लगाते हैं और वहीं से पैसे कमाते हैं और आपको रिटर्न देते हैं। मान लीजिए आपने 5,00,000 रुपए का FD बुक किया किसी बैंक के अंदर, तो बैंक क्या करेगी, उस 5,00,000 रुपए को अपने पास नहीं रखेगी, उस बैंक को उठा के शेयर मार्केट में लगा देगी और वहां से 20 से 25% का मुनाफा कमाएगी और आपको देगी 6 से 7%। इसी प्रकार दोस्तों म्यूचुअल फंड कंपनी वाले भी ऐसे ही करते हैं, आपके जो पैसे होते हैं उनको शेयर मार्केट में लगाते हैं, अच्छा खासा पैसा कमाते हैं और आपको भी रिटर्न देते हैं। तो दोस्तों दूसरे लोग जब आपके पैसे से पैसा कमा सकते हैं तो आप खुद क्यों नहीं कमा सकते। मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, जब भी आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको दो चीज सबसे पहले आनी चाहिए। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपको फंडामेंटल एनालिसिस आना चाहिए, और अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपको टेक्निकल एनालिसिस आना चाहिए। अगर आपको ये दोनों चीजें आती है तो बहुत ही कम चांसेस होगा कि शेयर मार्केट में आपको लॉस होगा। दोस्तों मान लीजिए आप शेयर मार्केट में पैसे लगाना चाहते हैं तो आपको किन चीजों की जरूरत होगी वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए आपके पास दो तरीके के अकाउंट होने चाहिए, सबसे पहला डीमैट अकाउंट और दूसरा ट्रेडिंग अकाउंट। देखिए डीमैट अकाउंट के अंदर आपके जो भी शेयर्स होते हैं वो वहां पे आपको दिखाई देते हैं। पहले के जमाने में क्या होता था, जब भी आप कोई शेयर खरीदते थे तो आपको 2 से 3 दिन के अंदर शेयर की डिलीवरी मिलती थी फिजिकल फॉर्म में। लेकिन दोस्तों आजकल जो आपके शेयर्स होते हैं वो डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म में आपके डीमैट अकाउंट में रिफ्लेक्ट करने लग जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों ट्रेडिंग अकाउंट आपको ट्रेड करने में हेल्प करते हैं, तो आपको इन दोनों चीजों की जरूरत होगी अगर आप शेयर मार्केट में पैसे लगाना चाहते हैं। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करने के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है एंजल ब्रोकिंग। मैं आपको बता दूं ये आपको बहुत सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं और साथ ही साथ इनका जो इंटरफेस है वो भी बहुत ही यूजर फ्रेंडली है। अगर आप नए हैं तो सारी चीजों को आप बहुत ही इजीली कर पाएंगे, आप फ्री ऑफ कॉस्ट में अपना डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर सके। उसके लिए मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दूंगा, उस पर आपको सिंपली क्लिक करना है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस फॉलो करना है, आप अपने लिए कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट में
डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बता दूं, इस चैनल के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया था जिसके अंदर मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताया था कि कैसे आप फ्री ऑफ कॉस्ट में अपने लिए डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो एंजल ब्रोकिंग में। उस वीडियो का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और साथ ही साथ आपको आई बटन में भी मिल जाएगा, आप वहां से भी चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों जाइए और आज ही अपना फ्री ऑफ कॉस्ट में डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराइए, जो लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए। आपके मन में कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछिए, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाजू में जो बेल आइकन उसे भी दबा दे ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में कुछ नए कमाने के तरीकों के साथ।